नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मानव तस्कर गिरोह के 9 सदस्यों को अरेस्ट किया है। आरोपी सीहोर के साथ आसपास के जिले देवास, राजगढ़, शिवपुरी, शाजापुर वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। आरोपियों ने जिले के डूंडा लावा गाँव से एक 7 साल की बच्ची का अपहरण किया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 24 घंटे में बच्ची को सकुशल दस्तियाब कर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह में शामिल महिलाएं पुलिस को चकमा देने के लिए अपने साथ बच्चों को भी रखती थी। अंतरराज्यीय मानव तस्कर गिरोह के आरोपी देवास, राजगढ़, शिवपुरी, शाजापुर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। आसपास के जिलों में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। वहीं सीहोर जिले में अपहरण की वारदात को अंजाम देने के साथ ही गिरोह को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। गिरोह के मुख्य आरोपी पर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। बता दें कि जिले के इछावर में 7 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के बाद एसपी मयंक अवस्थी ने पुलिस टीम को लगाया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मासूम बच्ची को दस्तियाब करने के साथ ही गिरोह को अरेस्ट किया है। 9 सदस्यीय गिरोह में 9 सदस्य हैं, जबकि 2 महिलाएं भी शामिल हैं। शातिर महिलाएं पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने साथ छोटे बच्चों को रखा करती थी। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने मीडिया को बताया कि एक बच्ची के ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। टीम को सक्रिय किया गया तो पता चला कि शिवपुरी की तरफ गए हैं। पुलिस ने दबिश देकर बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आरोपियों पर आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है।